प्रो कबड्डी सीजन 8 का मैच नंबर 97 जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस हरियाणा सिलर्स के बीच में खेला जाएगा। राइवलरी वीक का ये आखिरी मैच रहने वाला है एंड इस मैच में दोनों टीम्स का स्टार्टिंग सेवन रह सकते हैं। दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोनों टीम्स को एनालाइज करने वाले पूरा मैच को डिटेल में प्रिव्यू करेंगे। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले आज के मैच के मैनर को जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पॉइंट्स का बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों टीम्स के स्टार्टिंग सेवन के बारे में बात करेंगे, देन दोस्तों हम दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ नजर डालेंगे कि आखिर हेड टू हेड में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, देन दोस्तों हम दोनों टीम्स को एनालाइज करने वाले एंड फाइनली एंड में प्रेडिक्शन करेंगे कि कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है। तो गाइस फटाफट यहाँ पे मैं आपको दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स की, तो गाइस यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स के स्टार्टिंग सेवन देखने को मिल जाएंगे। अर्जुन देसवाल, दीपक सिंह, विशाल, दीपक निवास हुड्डा, सचिन नरवाल, सोहल कुमार एंड संदीप कुमार धुल, ये जयपुर पिंक पैंथर्स की स्टार्टिंग सेवन थी जहाँ पे पिछले मैच में थी, जहाँ पे अर्जुन देसवाल को 6 पॉइंट्स मिले, दीपक एंड विशाल को एक एक पॉइंट मिला, दीपक हुड्डा को 12 पॉइंट्स मिले, सचिन नरवाल को 4 पॉइंट्स मिले एंड सोहल एंड संदीप धुल को टोटल 3-3 पॉइंट्स मिले। देखा जाए तो जयपुर की टीम ने लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था एंड मुझे लगता है जयपुर का इस मैच में सेम स्टार्टिंग सेवन रह सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स की, तो हरियाणा सिलर्स के स्टार्टिंग सेवन देखने को मिल जाएंगे। विकास कंडोला, मोहित, जयदीप, आशीष, विनय, रवि कुमार एंड अक्षय, ये हरियाणा सिलर्स के स्टार्टिंग सेवन यहाँ पे पिछले मैच में थे। यहाँ पे विकास कंडोला का 10 पॉइंट्स मिले, मोहित को 3 पॉइंट्स मिले, जयदीप को 2 पॉइंट्स मिले, आशीष को 6 पॉइंट्स मिले, विनय को 8 पॉइंट्स मिले, रवि कुमार को 3 पॉइंट्स मिले एंड अक्षय को 2 पॉइंट्स मिले। हरियाणा की टीम ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था लेकिन स्टार्टिंग सेवन के अंदर हमें एक बदलाव देखने को मिल सकता है। अक्षय की जगह हमें सुरेंद्र नारा देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते अपने हेड टू राउंड की तरफ, यानी कि हेड टू हेड में कौन से टीम का पलड़ा भारी है। तो गाइस यहां पे जयपुर पिंक पैंथर्स एंड हरियाणा सिलर्स के बीच में अब तक पीकेएल हिस्ट्री में टोटल 9 बार मैचेस हो चुके हैं, जहां पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम 5 बार जीती है एंड वहीं पे हरियाणा सिलर्स की टीम 2 बार जीती है एंड 2 बार जो मैच है वो यहाँ पे टाई में एंड हुआ है। तो देखा जाए तो हेड टू हेड में जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम काफी आगे चल रही है, लेकिन इस सीजन की बात की जाए तो गाइस इस सीजन जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने हरियाणा सिलर्स को हराया है। तो देखा जाए ओवरऑल जयपुर पिंक पैंथर्स का पलड़ा भारी है। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों टीम्स को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स की, तो गाइस यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने अब तक टोटल 15 मैचेस खेले, जिसमें से 7 मैच जीती है, 6 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई रहे एंड इनके पास टोटल 45 पॉइंट्स है। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम अभी पॉइंट्स टेबल पे 5वें स्थान पे, अगर ये मैच जीत जाती है तो 5वें स्थान से नंबर 4 पे आ जाने वाली है एंड यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स के पास टोटल 45 पॉइंट्स है। जयपुर पिंक पैंथर्स का भी 7 मैचेस बचे एंड अगर कैसे भी करके इनको 15 पॉइंट्स लाने हो गए, यानी कि 7 मैचेस में से कैसे भी करके जयपुर पिंक पैंथर्स को 3 मैचेस जीतने हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस की, दुकान सबसे पहले बात करते हैं रीडर्स की, दुकान से रीडर्स ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, जहाँ पे विकास कंडोला चले, आशीष ने अच्छा परफॉर्म दिखाया एंड विनय ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो देखा जाए तो तीनों रीडर्स फॉर्म में दिख रहे, रीडिंग में इतना ज्यादा इशू निकल के नहीं आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रीडर्स की, दुकान से रीडर्स ने लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, जहाँ पे अर्जुन देसवाल ने परफॉर्म किया एवरेज, दीपक हुड्डा अच्छा परफॉर्म कर रहे एंड सचिन नरवाल ने भी अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया। तो देखा जाए तो कैसे जयपुर पिंक पैंथर्स का रेडिंग में इतना ज्यादा इशू निकल के नहीं आ रहा है। वो दोस्तों बात करें डिफेंस की, तो क्या डिफेंस ने एवरेज परफॉर्मेंस दिखाया, जहाँ पे दीपक सिंह एंड विशाल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया लेकिन वहीं पे सोहल कुमार एंड संदीप धुल ने अच्छा परफॉर्म किया। तो होप यही करते हैं कि दीपक एंड विशाल अच्छा फॉर्म, मतलब कि अच्छे फॉर्म में आ जाए, जो भी गलतियां किए थे लास्ट मैच में वो यहाँ पे इस मैच में गलतियां नहीं करे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जयपुर की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया एंड इतना ज्यादा इशू निकल के नहीं आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं हरियाणा सिलर्स की, तो क्या हरियाणा सिलर्स की टीम ने अब तक टोटल 16 मैचेस खेले, जिसमें से 7 मैच जीती है, 6 मैच हारी है, 3 मैचेस टाई रहे एंड इनके पास टोटल 48 पॉइंट्स है। हरियाणा सिलर्स की टीम अभी पॉइंट्स टेबल पे 4th स्थान पे, अगर ये मैच जीत जाती है तो 4th स्थान पे बरकरार रहेगी। हरियाणा सिलर्स का अभी 6 मैचेस बचे एंड इनके पास अभी टोटल 48 पॉइंट्स है। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने तो कैसे भी करके 12 पॉइंट्स इनको लाने हो गए एंड आराम से 12 पॉइंट्स ला लेती है, 4 टाई भी कर देती तभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। 2 मैचेस जीतेगी, 2 मैचेस हारेगी, 2 पॉइंट्स मतलब 7 के कम मार्जिन से हारेगी 2 मैचेस, तब भी यहाँ पे
हरियाणा सिलर्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। हरियाणा सिलर्स का प्लेऑफ का सिनेरियो बहुत ही इजी निकल के आ रहा है एंड मुझे लगता है कि हरियाणा की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो कैसे यहाँ पे रीडर्स ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, जहाँ पे विकास कंडोला चले, आशीष चले एंड विनर चले, तीनों रीडर्स फॉर्म में दिख रहे हैं। बात करें डिफेंस की, तो कैसे यहाँ पे डिफेंस ने भी लास्ट मैच में एवरेज परफॉर्मेंस दिखाया, जहाँ पे मोहित एंड जयदीप ने अच्छा खेला, रवि कुमार ने भी अच्छा खेला, लेकिन सुरेंद्र नारा सब्स्टिट्यूट में थे, वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो होप ये करते कि मेन स्टार्टिंग सेवन के अंदर यहाँ पे सुरेंद्र नारा को मौका मिले एंड अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो लास्ट मैच में यहाँ पे हरियाणा सिलर्स की टीम ने बंगाल वॉरियर्स को हराया, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है हरियाणा सिलर्स के लिए, बहुत ही यहाँ पे मोटिवेशन अप हुआ होगा एंड मुझे लगता है कि हरियाणा की टीम इस मैच में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब दूसरे बढ़ते अपने फाइनल राउंड की प्रेडिक्शन की तरफ, आखिर जो मैच है वो यहाँ पे कौन सी टीम जीत सकती है। तो गाइस मुझे लगता है जो मैच है वो यहाँ पे हरियाणा सिलर्स की टीम जीत सकती है। जहाँ दोस्तों हरियाणा सिलर्स की टीम लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म की थी, जीतते आ रही है, लास्ट मैच में बंगाल वॉरियर्स को हरियाणा सिलर्स की टीम ने हराया है। तो देखा जाए तो गाइस यहाँ पे हरियाणा सिलर्स की टीम काफी अच्छे फॉर्म में दिख रही है एंड मुझे लगता है कि हरियाणा सिलर्स की टीम जीत सकती है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा मैच जीत सकती है, आप भी अपना प्रेडिक्शन कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो गाइस हो गई पैन करते हैं, आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जोर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।